नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी क्षेत्र न्यूज, खबर हमारी दुनिया। यूपी क्षेत्र न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं लेकर खबरों का खजाना। तो आइए देखते हैं शहर की कुछ प्रमुख खबरें। विधानसभा निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत सातनपुर मंडी समिति में स्थित पोलिंग पार्टी रवाना स्थल का जिलाधिकारी संजय सिंह व पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा जी ने निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ दोनों आला अधिकारियों ने कमालगंज जाकर श्री फिरोज गांधी इंटर कॉलेज के मतदाता जागरूकता अभियान के तहत 20 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने हेतु मतदाताओं को जागरूक किया। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं। वहीं बसपा प्रत्याशी विजय कटियार व उनके सारथी महेंद्र कटियार व समर्थक व कार्यकर्ताओं के साथ शहर के भोलेपुर, होली मोहल्ला, नेकपुर कला, फतेहगढ़ कचहरी व काशीराम कॉलोनी, हैबतपुर गड़िया में ताबड़तोड़ जनसंपर्क किया और जनता से विजय श्री का आशीर्वाद लिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि शहर में हाथी की रफ्तार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कायमगंज में कांग्रेस प्रत्याशी शकुंतला देवी ने अपने जनसंपर्क में बांधा समा। कायमगंज विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान समय में चारों ओर कांग्रेस प्रत्याशी के ही चर्चे हैं। हर गली, हर घर, हर मोहल्ला, हर तिराहे चौराहे पर महिलाएं ये कहती नजर आ रही हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। वहीं भोजपुर में बीते दिनों ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा का असर भोजपुर में देखने को मिल रहा है और भाजपाइयों ने भी अपना जनसंपर्क तेज कर दिया है। वहीं क्षेत्र के ग्राम रठौरा मुहद्दीनपुर में भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह राठौर व उनके समर्थकों ने डोर टू डोर संपर्क किया और लोगों को भाजपा सरकार की नीतियों से अवगत कराया। इधर सपा प्रत्याशी अरशद जमाल सिद्दीकी व उनके समर्थक भोजपुर में साइकिल की रफ्तार बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, जिनके परिणाम अब नजर आ रहे हैं और सर्वधर्म सर्व समाज के लोग निरंतर साइकिल की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अमृतपुर विधानसभा में भी अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने सपा की साइकिल में मानो पर जैसे लगा दिए हों। ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, सपा कार्यकर्ता व समर्थकों ने अमृतपुर विधानसभा में माहौल एक तरफा कर दिया और मतदाता सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव की ओर मुंह उठाकर देख रहे हैं। मतदाताओं का कहना है कि भोजपुर का विकास के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव को लाना जरूरी है, बाकी के सबको हमने देख लिया, इस बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव को ही विधायक बनाकर देख लें। तो आइए अब सुनते हैं शहर की खास खबर। आज शहर के मोहल्ला घेर शामू खां में सैयद आफताब हुसैन के आवास पर प्रेस वार्ता रखी गई, जहां पत्रकारों को अवगत कराया गया कि आने वाली चांद की 13 तारीख यानी 13 रजब को अली शेर खुदा के विलादत के मौके जुलूस मौला अली शहर के लाल दरवाजे से लेकर पाखड़ वाली मस्जिद तक निकाला जाएगा। आज जो ये मीटिंग रखी गई थी ये किस उपलक्ष में है? ये वो छोटा चांद के छोटा वाला घर जो था हिसाब से माह रजब, क्योंकि एक बहुत ही मुबारक महीना है, इसकी 13 तारीख को 13 रजब को मौलूद काबा मौला मुश्किल कुशा अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत है। इनकी विलादत खाने काबा में हुई और जो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और उनके दामाद थे। उसी उपलक्ष्य में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, क्योंकि ये फरखाबाद को गौरव हासिल है, फरखाबाद को ये इज्जत हासिल है कि मौलूद हरम मौला हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जुलूस फरखाबाद में बरामद होता है। बैठक में सैयद आफताब हुसैन, मौलाना फरात हुसैन जैदी, बिलाल शफीकी, पप्पन मियां, जावेद हुसैन, मेराज हुसैन, नफीस हुसैन एडवोकेट, मुनब्बर हुसैन, इंतजार हुसैन, परवेज हुसैन मुंतजिर जैदी, मोहसिन कासमी, इब्राहिम आब्दी आदि लोग मौजूद रहे। जुलूस मौला अली की सदाकत शहर कादी सैयद मुताहर अली करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी छत्तर न्यूज। आइए देखते हैं एक वीडियो और। कोरोना के वजह से और आचार संहिता के वजह से हमको आचार संहिता में परमिशन बराबर मिलती रही। ये धार्मिक प्रोग्राम है, सामाजिक प्रोग्राम है, सभी धर्मों का प्रोग्राम है और ये हमेशा होता रहा। इसमें सैयद आफताब हुसैन और सारे लोग मिलकर, धर्मगुरु मिलकर, हम लोग इस बहुत बेहतरीन एक शानदार शोभा यात्रा निकालते हैं। इस बार हमको सिर्फ एक गाड़ी के लिए शोभा यात्रा के लिए इजाज़त
इंस्पेक्टर में कोतवाल साहब ने मीटिंग करके कोतवाली फर्रुखाबाद में हमको इजाज़त दी थी कि सिर्फ एक गाड़ी, उसमें हमारा सबसे आगे राष्ट्रीय झंडा रहेगा तिरंगा, और उसके साथ जो धार्मिक झंडे हैं वो रहेंगे थोड़े से 20-25, और हम सब लोग बहुत जल्दी इसको निपटाएंगे प्रोग्राम, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, क्योंकि शांति चाहते हैं, अमन वाले लोग हैं, कोई रोड ट्रैफिक जाम अच्छा, ना हो। ये जुलूस से मौले आली कहां से कहां तक निकलेगा? ये सब लाल दरवाजा जो हमारा फुआरा है, कदीमी जुलूस है, वारफिया मस्जिद जी, और दरगाह हजरत अब्बास के रोड पर एक मस्जिद है पाखड़ वाली, ये जुलूस वहां जाकर समाप्त हो जाता है। लगभग कितने बजे निकलेगा ये? बाद नमाज असर इसका टाइम है, लगभग 5 से 6 के बीच में निकल जाता है साहब। ये पहले पुरानी परंपरा के तहत तो रात के 3-3.5 बजे जुलूस समाप्त होता था जी। पर इस बार जब से कोरोना हुआ है तो जुलूस 10 बजे सिमट जाता है रात के। हमारा सड़क बहुत जल्दी हम लोग छोड़ते हैं जिससे ट्रैफिक बिल्कुल जाम ना हो, जिससे प्रशासन भी परेशान ना हो और किसी को तकलीफ ना हो, क्योंकि हजरत अली वो शख्सियत हैं जिन्होंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, इंसानियत के इल्मबरदार हैं, और उनका हमेशा इस्लाम के वो ऐसे सूरमा और ऐसे कमांडर हैं फौज के कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम लाए थे उन्होंने इंसानियत का एक इस्लाम पेश किया, और वही आज इस्लाम पूरा इंसानियत का इस्लाम है, जियो और जीनो दो, ये उनका मेन संदेश था अली साहब का। उनकी पैदाइश खाने काबा में हुई, पूरी दुनिया मनाती, पर हमारा हिंदुस्तान इस पर छुट्टी करता है। उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार रही हो, सपा बसपा किसी भी सरकार रही, इस पर छुट्टी मनाई गई। फर्रुखाबाद के आसपास जिलों में ये जुलूस नहीं होता है, फर्रुखाबाद में ही निकाला जाता है साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। आवश्यक सूचना, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 194 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती लुईस खुर्शीद द्वारा आपराधिक मामलों की सूची समाचार पत्र व टीवी चैनलों पर, इसका प्रसारण निम्नबद्ध किया गया।